मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दरगाह गली में करंट लगने से हुई युवक की मौत और कहां हुई मेडिकल स्टोर में चोरी, कहां पुलिस कर्मियों पर बरसाई गई गोलियां, तो कहां हॉकर्स के हाथ गाड़ियों पर चला बुलडोजर, नहाने गए 5 लोगों की कहां डूब कर हुई मौत, ये खबर देखिए टॉप 5 में। मुमरा के अमृत नगर दरगाह के पास एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। युवक का नाम मोइन शेख, उम्र करीब 20 वर्ष बताया जा रहा है। दरगाह के पास साइका मंजिल में रहने वाले मोइन पानी के मोटर का वायर जोड़ रहे थे और इसी दौरान उन्हें करंट लग गया। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए मगर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस नौजवान की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल भेज दिया गया है। चोरी करने वाले इतने शातिर होते हैं कि पलक झपकते ही हाथ साफ कर देते हैं। मुमरा के आनंद कोलीवाड़ा स्थित श्री राजलक्ष्मी मेडिकल में एक चोर ने दान पेटी चोरी कर ली, जिसकी तस्वीर CCTV में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये चोर दान पेटी के आसपास घूम रहा है। थोड़ी देर बाद ये चोर बैठ जाता है। जैसे ही दुकानदार कस्टमर के लिए सामान लेने अंदर जाता है, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अंगड़ाइयां लेता हुआ ये चोर दान पेटी लेकर आसानी से चला जाता है। मेडिकल मालिक विकास ने बताया कि दान पेटी में करीब 7 से 8 हज़ार रुपए रहे होंगे। दुकान के सामने कस्टमर भी खड़े थे मगर उसके बावजूद ये चोर दान पेटी लेकर फरार हो गया। क्या चीज का पेटी था जो चोर लेके यहाँ से गया? गरीबों के लिए दान पेटी था, गौ माता के लिए रखा हुआ पेटी था। कितना पैसा था उसके अंदर? 7-8 हज़ार रुपये कुछ पैसा था, जिसको हम गरीबों के लिए दान के लिए रखा गया था। तो रात को 11 बजे के बाद की बात है, भाई दुकान पर अकेला था और चोर आया, 10-15 मिनट इधर बैठा बाजू में, और बैठने के बाद उसने अपने हाथों से धीरे धीरे पेटी को लूज किया और जैसे ही भाई कुछ दवाई या मेडिसिन निकालने के लिए पीछे चला गया, तो आते ही उसने पेटी को निकाल के चला गया। उसके कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम को घेर कर गोलियां बरसाई गई, जिसमें DSP और 3 SI सहित 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर कानपुर के डिकरू गांव में ये घटना हुई है। 3 थानों की टीम कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी मगर पहले से ही घात लगाकर बैठे अपराधियों ने पुलिस पर गोली बरसानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जब देर रात पुलिस टीम विकास दुबे के घर पहुंची तो उसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन। कोरोना महामारी में कलवा मुमरा दीवा ठाणे लॉकडाउन है और इस तरह से दूध और मेडिकल की दुकानों को ही खुलने की अनुमति है, मगर वहीं ठाणे में हॉकर्स पर मनपा ने कार्रवाई की है। लॉकडाउन में भी ये हॉकर्स हाथगाड़ी लगाकर धंधा कर रहे थे। ठाणे के कोलबाट इलाके में मनपा ने फेरी वालों के हाथगाड़ियों पर JCB से कार्रवाई कर इनकी हाथगाड़ी तोड़ दी। झरने में नहाने गए 5 लोगों की डूबकर मौत हो गई है। घटना महाराष्ट्र के जवार से 7 किलोमीटर दूर कालसेती में झरने में नहाते वक्त 5 लोगों की मौत हो गई। घटना 2 जुलाई शाम 6 बजे के आसपास डूबने से इन 5 लोगों की मौत हुई है। जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनके नाम देवेंद्र गंगाधर बाघ 28 वर्ष, प्रथमेश प्रकाश चौहान 20 वर्ष, देवेंद्र दत्तात्रेय फलटनकर 19 वर्ष, निमेश नरेश पाटिल 28 वर्ष, रिंकू अतुल भोई 22 वर्ष है। ये सभी लोग जवार के अंबिका चौक के रहने वाले। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।